हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में केवीएस की वैकेंसी से रिलेटेड बात करूंगी। इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स यहां पे हो सकते हैं जो मैं आज आपके लेने वाली हूं कि किससे रिगार्डिंग, कि आपके फॉर्म की जो डेट है वो क्या है, सीटेट अपेयरिंग इसमें एलिजिबल है या नहीं। जिन्होंने भी सीटेट का फॉर्म भरा है वो जरूर इस बात के असमंजस में होंगे कि भैया हमें भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए है। बीएड एलिजिबल है पीआरटी के लिए नहीं है, क्योंकि इसके बारे में एक स्पेशल जो है वहाँ पे पूरा बोर्ड लेटर में दिया गया है, ठीक है, जो भी आपको शॉर्ट नोटिस प्रोवाइड कराया गया है वैकेंसी का। उसके बाद एग्जाम कब होगा इस पे भी, और एग्जाम पैटर्न एलिजिबिलिटी और एज का क्या क्राइटेरिया, सबके ऊपर आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो डिटेल नोटिफिकेशन है ना केवीएस वैकेंसी का, वो अभी तक साइट पर अवेलेबल नहीं है और ना ही आया है, ठीक है। आपके सामने एक शॉर्ट नोटिस यहाँ पे दो उसमें पार्ट में पब्लिश हुआ है, ठीक है, जिसमें एक में पीआरटी के बारे में बताया गया है और एक में आपका रेस्ट ऑफ द वैकेंसी बताया गया है, ठीक है। आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको कब तक देखने को मिल सकता है, वो आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ही आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिससे आपके सारे जो डाउट्स हैं आपके अच्छे से वहां पे उसमें और भी ज्यादा फर्दर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बात करती हूँ फॉर्म डेट की, तो वहां पे जो शॉर्ट नोटिस आपको प्रोवाइड किया गया उसमें आपको साफ बताया गया है कि आप 5 दिसंबर से और 26 दिसंबर तक अपने फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इलिजिबल है, जिनका सीटेट पास है, ठीक है, जिनका सीटेट पास है वो इस फॉर्म को अच्छे से क्या कर देना, फिल कर देना। अब सेकंड चीज है कि सीटेट अपेयरिंग यहाँ पे इलिजिबल है या नहीं इलिजिबल है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जो है अपनी डिटेल नोटिफिकेशन जब आपके सामने जारी होगा, आप उसका जस्ट थोड़े दिनों का आप वेट करिए, उसमें आपको अच्छे से बता दिया जाएगा कि आप इलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। उससे पहले आपकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो नहीं जाएगी। तो ये जो भी चीजें ना कि आप सीटेट अगर आप जो है एलिजिबल हैं, अगर सीटेट का अगर फॉर्म दे रहे हैं तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं केवीएस के लिए, तो वो भी आपको अच्छे से बता दिया जाएगा, और नहीं है तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बीएड एलिजिबल है पीआरटी के लिए। जो आपको शॉर्ट नोटिस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है ना, उसमें आपको लिखा हुआ है कि जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी को भर सकते हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड एक जो है पेटिशन चला हुआ है, उसका जो है रिजल्ट नहीं आया है, उससे लेकर के जो भी फैसला आएगा ना उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप जो है जो भी बीएड वाले हो, अगर पीआरटी का फॉर्म भरना चाहते हो तो आप फिलहाल के लिए उसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। बाद में जो है आपको बता दिया जाएगा कि भाई आप इसके लिए जो है वैलिड हो या नहीं हो, ठीक है। बट राइट नाउ आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। उसके बाद एग्जाम कब होगा, देखिए अभी तो आपका 26 दिसंबर तक क्या हो रहा है, फॉर्म को जो है फिल किया जा रहा है, तो आप मान के चलो भाई 2023 में ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है भाई। फैब तक आप मान के चलिए कि फैब तक आपका एग्जाम जो है हो सकता है, कम से कम 2 से 3 महीने का तो आप टाइम जो है जरूर मान करके चलो, बाकी जो आपको डिटेल नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है। अब ये जो एग्जाम पैटर्न है ना वो लास्ट ईयर वाला कुछ और था, हो सकता है आपको कुछ यहाँ पे चेंज देखने को मिले, ठीक है, हो सकता है आपको टीजीटी के अंदर कुछ चेंज देखने को यहाँ पे मिल सकता है, इसके चांस है। बाकी मे बी पीआरटी और पीजीटी में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन टीजीटी में सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। श्योर नहीं हूं बट आपको देखने को मिल सकता है। मैं वही आपको फिर से कहूंगी कि डिटेल नोटिफिकेशन का वेट करिए, सारी चीजों को आप फर्दर जो है अच्छे से समझ जाएंगे, क्या आपका एग्जाम पैटर्न होगा, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, सब कुछ आपको किस में बताया जाएगा, जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन होगा ना उसमें आपको बताया जाएगा। इलिजिबिलिटी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है उसमें जो है कंफ्यूज जाते हैं, स्पेशली ये जो टीजीटी वाले है ना, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, किसी का बन रहा होता है, कोई जिसका नहीं बन रहा होता वो भी फॉर्म भर देता है, बाद में उसको क्या बाहर होना पड़ता है। तो अपनी ये जो इलिजिबिलिटी वाला ना, ये आप अच्छे से चेक करना, इस पे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो जरूर हर सब्जेक्ट की बना करके दूंगी कि भाई कि कौन कौन जो है वो टीजीटी के लिए या पीआरटी के लिए और पीजीटी के लिए है वो एलिजिबल है, ठीक है। पीआरटी का बहुत ही अपने आप में सॉर्टेड है और जो पीजीटी है वो भी अपने आप में सॉर्टेड है, बस जो टीजीटी वाले ना उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको जैसे ही आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा ना, मैं आपको एक जो है सेपरेट वीडियो इससे रिलेटेड जरूर आपको प्रोवाइड करूंगी। उसके बाद रही बात एज की, तो फिर से आपका जो है नोटिफिकेशन में आपको अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपको अच्छा यहाँ पे एज जो है रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। बाकी आप इन चीज़ों से जो है आपका जो भी डिटेल नोटिफिकेशन है ना, बस उसका आप लोग थोड़े दिन का वेट करिए, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है, बस आप ये देख लो भाई हमें क्या पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है, अपनी इस तैयारी को करिए,
ठीक है, अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो। और जो भी सीटेट अपियरिंग है ना, आप अपने सीटेट पे राइट नाउ ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी आपके फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है और आपको यहाँ पे अच्छे से आपको डिटेल नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा। तो पहले आप अपना सीटेट का जो है उसको क्लियर करिए, क्योंकि ये श्योर है कि जब आप सीटेट अगर क्लियर हो तो ही आप भर सकते हो केवीएस के फॉर्म को। ठीक है, तो जो भी सीटेट अपेयरिंग है ना, आप पहले इस पे ध्यान दो, बाद में केवीएस पे ध्यान देना। और जिसका सीटेट पास है ना, वो अपना ये देखो भाई उनको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जब तक कि क्या ना आए, आपका डिटेल नोटिफिकेशन ना आए। ठीक है, तो ये थी आपके कुछ चीज़ें। और हाँ, ये जो है ना कि भाई मैं डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हूँ या फिर मैं बीएड के फाइनल ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, और उनका अगर सीटेट क्लियर हो जाता है तो आप लोग ये जो जॉब वाली वैकेंसी है ना, इसमें जो है अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपकी जो डिग्री है, आपका जो डिप्लोमा है ना, वो आपका कैसा होना चाहिए, है बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी जॉब वाली वैकेंसी में आपको जो है अपियरिंग हो आप किसी भी डिग्री में और आपको ले लिया गया हो। आपका जो है ये बीएड और आपका कोई भी जो डिग्री है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, है कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आज देनी थी। आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प हुई होगी। आप लोग प्लीज़ डिटेल नोटिफिकेशन का वेट करिए, ठीक है, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगी उस नोटिफिकेशन से के से रिलेटेड, कि उसमें क्या क्या दिया गया, आपको आसान और सरल शब्दों में आपको अच्छे से उसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए और बने रहिए मेरे साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।